वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। अज आप लैके आए हैं जी वटांवली दस्तार की वीडियो। बहुत वीर डिमांड से आप वीडियो लेके आए हैं जी। जिन्हें वीर वीडियो देख रहे हैं सारे वीर का चैनल उत्ते स्वागत आ। जिस दस्तार का आप पहला लड़ लगा सिर के सेंटर चो लिया के लड़ में हल्के हल्के गुठे की उंगली वट पा लेने ने। अद्धी अख तो अद्धी कर ढक के लड़ में लगा देना है। जो आप अगला लड़ लगा लड़ू पहला चंगी तरह खोल के पुनी का मोटा पासा सारा उपर रख के पतला पासा हेठा रख के चंगी तरह लड़ू हाथ नाल साफ कर लेना है। तो लड़ विच हाफ लड़ चो उपर तो लैके हेठा तक अपना गुठे की उंगलियों नाल वट चकने ने। वट चकन तो बाद उन्होंने वटा एक जगह पर इकट्ठे करके अपना लगा देना है। जिन्हां वीरां ने चैनल सबसक्राइब कर लिया उन्हां दा बहुत बहुत धन्यवाद जी। जिन्हां वीरां ने चैनल सबसक्राइब नहीं किया प्लीज़ सबसक्राइब कर लियो। जिन्हां वीरां ने चैनल सबसक्राइब कर लिया उन्हां दा बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपां वटां नूं सैट करन दे वास्ते पग पेन जां सूई दी वरतों कर सकते हैं। तुहानूं वीडियो विच दिखावांगे किस तरीके नाल आपां सूई जां पग पेन नाल वटा सैट करना। जितों कितों आप लगता कि अपना लड़ कोई दबदा तो आप उ कपड़े की वरतों कर सकते हैं। अते हुण सूई फेरांगे आप जितों आप पहले लड़ तो जिन्हें भी वट बनाए ने उन्होंने वटा च हल्की हल्की आप सूई फेर लेनी है। सूई तो फेरी है कि पग पिन अपने कई बार बिंगे हो जाते हैं ज वधिया वट नहीं बनाते तां सूई मुचदी नहीं वट भी वधिया बनाउंदी है। तां जो आपां सूई की वरतों की है जो आपां अगला लड़ लगाया पहले लड़ तो जो इस तो पहला लड़ लगाई उस तो थोड़ा हेठा रख के हाथे नाल लड़ नूं साफ कर लेना। अख तक लड़ नूं खोल के हाफ लड़ चों आपां हल्के हल्के गूठे चुंगे नाल वट चक के दोनों पासों दब के लड़ नूं नोक तो नोक तो दोनों पासों दब के दोनों पासों तां दबिया तां कि अपने उपरों भी जो शेप प्रोपर आवे ते हेठों भी जो अपने शेप प्रोपर आवे बिल्कुल। सैट करके जो अपना लड़ नूं लगा देना है। हुण सूई दे नाल ये जो अपना ये लड़ दे वट पाए ने इन्हां वटा नूं भी आपां सूई दे नाल सैट कर लेना है। जिवें आपां हेठां वाले लड़ जो सैट कीते ने जो पंज लड़ां वाली आपां दस्तार दी वीडियो लैके आए हां। सारियां वीडियो छे लड़ां वाली दस्तार दियां सी। बहुत वीरां डिमांड कीती कि पंज लड़ां वाली वटां वाली दस्तार दी वीडियो अपलोड करो। अज उहनां वीरां दी डिमांड ते आपां वीडियो लैके आए हां जी। जो अगला लड़ लगाउणा आपां जो इस तो पहला लगाई उस तो थोड़ा हेठा रख के गूठे ते उंगलियां लड़ नूं आपां साफ कर लेना है। पौनी दे दोने दोने पल्ले खुलदा पासा मतलब सारा थले रख के अख तक लड़ नूं खोल लेना है। खोलण तो बाद हल्के हल्के लड़ विच हाफ लड़ चों वट चक के आपां तीन जां चार वेर गुठे ते उंगलियां नाल वटा नूं कट्ठे करना है। कट्ठे करन तों बाद एक जगह ते आपां नोक जिथे अपनी बणदी है नक दी सेह च उत्थे कट्ठे करके जो आपां वटा नूं लगा देना है। जिन्ने भी पहलां आपां तों वट पैंदे ने आपां उन्ने ही वट पा के जो लड़ आपां लगा देना है। बाद विच आपां सूई दे नाल सैट कर लांगे जिथों कितों आपां नूं लगदा कि वट कोई खराब आ। हल्की हल्की सूई फेर के अपना वटा नूं सैट कर लेना है। वीडियो नूं वध तों वध शेयर कर दिओ जी तां जो उन्हां वीरां तक वीडियो पहुँच सके जिन्हां वीरां नूं पंज लड़ां वाली दस्तार बन्नदे ने जां वटां वाली दस्तार बन्नण च कोई प्रॉब्लम आउंदी आ। अते लाइक जरूर कर दिओ वीडियो नूं, कमेंट भी जरूर करना पूरी वीडियो देख के। ते वीडियो पूरी देखिया करो वीरे तां जो तुहानूं वीडियो विच्चों कुछ खास सिखण नूं मिले। ते सारे आपां वटां विच एक बार
दोबारा फिर तो जो अपना सुई नू फेर लेना है, तीन लोग तो जो अपने वाटर ने उन्होंने आप एक जगह पर इकट्ठे करके लगाना है। बैक तक सूई आप जिमें फ्रंट तो आप बटा सैट करते हैं बैक तक उस तरीके बटा सैट करना है। तो जो हूँ आप अगला लाल लगा ये लाल आप साफ लगावे यदा भी सारी दस्तार विच जो आप पहले लड़ तो स्टार्ट कर ली दस्तार एंड तक सारा मोटा पासा पर उपर रखना है। तो अख तक लड़ नू खोल के अख तक लड़ नू खोलन तो बाद जो पूरा लड़ आप साफ कर लेना है। साफ करने तो बाद एक बार फ्रंट ते लिया के फ्रंट ते लिया के एक बार लड़न जो आप मोड़ना है। मोड़न तो बाद सारा पतला पासा हेठां खिच के दोबारा फिर लड़न मोड़ देना है। दो बार मोड़न तो बाद थोड़ी मोटाई दे विच आप लड़न देना है। जिथे अपनी वट खत्म हो सी उत्थे लड़न आप स्टार्ट करके बिल्कुल साफ पूरी सफाई दे विच लड़ जो आप लगा देना है। जो अपना हम लास्ट लड़ बाकी आ वह भी तो हम दसांगे किस तरीके नाल जो लड़ आप लगाना है। सारे वटां विच दोबारा तो फिर सूई जो फेर लेनी है जिथों कितों लगदा आपां नूं कि वट सैट नहीं है उत्थे आपां सूई फेर के वट सैट कर लैणे ने। ते बैक तक जो सूई आपां फेरनी है ते वटां नूं जो सैट करना है ਉੱਪਰੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੇਠਾਂ ਵਾਲਾ ਲੜੇ ਸਾਫ ਲਗਾਇਆ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ 3D ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਦਸਤਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁੰਦਰ ਲੱਗੂ ਅਤੇ ਉੱਪਰਲੇ ਵੀ ਪੇਚਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 3D ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜੋ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਤਾਰ ਲਗਾਉਣਾ ਲੜ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਹਾਫ ਉੱਪਰੋਂ ਮੋੜ ਕੇ ਅਤੇ ਹਾਫ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਮੋੜ ਕੇ ਲੜ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਫ ਉੱਪਰੋਂ ਅਤੇ ਹਾਫ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਮੋੜ ਕੇ ਲੜ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਫ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸਾਫ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹਲਕੇ ਹਲਕੇ ਲੜ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੱਟ ਪਾ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਵੱਟ ਤਾਂ ਪਾਉਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਟਰੈਂਡ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਦਸਤਾਰ ਦਾ ਜੋ ਲਾਸਟ ਲੜ ਵਟਾਂ ਵਾਲਾ ਵਟਾਂ ਵਾਲੀ ਦਸਤਾਰ ਦਾ ਵਟਾਂ ਵਾਲਾ ਲੜ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧਾ ਜੋ ਲੜ ਆਪਾਂ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਫਰੰਟ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੜ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਦੱਬਣਾ ਹੈ। ਦੱਬਣ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੱਕ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਚ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਪੱਗ ਪਿੰਨ ਲਗਾ ਕੇ ਲੜ ਨੂੰ ਦੱਬਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪੱਗ ਪਿੰਨ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਲੜ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਮੋੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਲੜ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੜ ਮੁੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸੋ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਅਤੇ ਇਹ ਲੜ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵਾਟ ਪਾ ਲੈਣੇ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੱਟ ਪਏ ਆਪਾਂ ਸੂਈ ਦੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕੇ ਕਰਕੇ ਵੱਟ ਪਾ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਜੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਿੱਟਕਣਾ ਸਿੱਟਕਣਾ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਏ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੱਕ ਲੈਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸਿਰ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸਿਓਂ ਸਫਾਈ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਬਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਬੈਕ ਵਾਲਾ ਲੜ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਮੋੜ ਕੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਲਗਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ